हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ होल न्यू डे। तो मैं आज सुबह ही आया हूँ अलेक्जेंड्रिया, जो कायरो से कुछ 5 या 6 घंटे की दूरी पे है। इट्स अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, अ वेरी डिफरेंट वाइब। मैं आके यहाँ पे शॉक हो गया कि किस तरह से अलेक्जेंड्रिया का जो फील है, इट टोटली रिजेंबल्स द फील ऑफ मुंबई। आप यहाँ पे आओगे, आपको मुंबई जैसी वाइब आएगी, हर जगह पे मुंबई जैसी वाइब आएगी। द सेम, एवरीथिंग इज़ द सेम, हर चीज़ मुझे यहाँ पे सेम लग रही है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर आपको एक ऑथेंटिक सिटी देखनी है जो ग्रीक और इजिप्शियन कल्चर्स का ब्लेंड है, तो आप जाइए अलेक्जेंड्रिया। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आज सुबह में 10 बजे, और लेट्स एक्सप्लोर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है जो अलेक्जेंडर ने कैप्चर किया था, और यहाँ पे उसने काफ़ी सारे फोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, और इसी के वजह से ये सिटी का जो आर्किटेक्चर है, इट हैज़ अ फील ऑफ ग्रीक एंड अरब आर्किटेक्चर। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स इट सुपर अमेजिंग। यहाँ पे चलते चलते इट गिव्स मी अ फील ऑफ वॉकिंग ऑन मरीन ड्राइव, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो बहुत बहुत साफ़ है, साफ़ और ब्लू पानी है। लेकिन जो बिल्डिंग्स वगैरह है, तो बिल्डिंग्स तो मुझे वैसे ही नज़र आ रही है, जैसे मरीन ड्राइव के कॉर्नर पे सामने आपको बिल्डिंग्स दिखती है। कायरो के मुकाबले यहाँ का वेदर भी बहुत प्लेजेंट है, और काफ़ी क्लीन सिटी है ये, इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप यहाँ देखोगे जगह जगह यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। इवन दो यहाँ पे मुझे ज़्यादा डस्टबिन्स तो नहीं दिखे, ट्रैश कैंस नहीं दिखे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे किसी तरह की गंदगी नहीं दिखी पूरे जो स्ट्रीट है, जो सी साइड वॉक है, पेवमेंट है वहाँ पे। और जो ये बिल्डिंग्स वगैरह है सामने आपको दिखेगी, ये सब ग्रीक आर्किटेक्चर है, विच इज़ लाइक अ ब्लेंड ऑफ ग्रीक एंड अरब आर्किटेक्चर। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन सच में ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं इजिप्ट में चल रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं ग्रीस के अंदर आ गया हूँ, मैं ग्रीस में चल रहा हूँ, क्योंकि द स्ट्रीट्स आर सो क्लीन, और मेरे पीछे पानी जो है ब्लू पानी, और लेफ्ट साइड में आप आर्किटेक्चर देखोगे तो पूरा ग्रीक आर्किटेक्चर है, एवरीथिंग इज़ सो क्लीन। यहाँ पे जगह जगह पे आपको घोड़ा गाड़ी दिखेगी, हॉर्स कैरेज जिसे कहते हैं, और सामने भी मेरे बहुत अच्छा एक ग्रीक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके इस साइड में भी ग्रीक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और मुंबई की जैसे आइकॉनिक काली पीली टैक्सीज होती है, वैसे यहाँ पे भी आइकॉनिक काली पीली टैक्सीज हैं। तो इट्स अ ब्लेंड, और बहुत अच्छी सिटी लग रही है मुझे, तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है इससे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, बहुत सारे साइट्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, लेकिन मुझे यहाँ अगर कोई चलने भी बोले 1 घंटा, तो मैं बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे फील जो आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त है, कायरो से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। वैसे कायरो भी अच्छा है, लेकिन बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक मुंबई की सिस्टर सिटी लग रही है, और मुझे यहाँ पे और ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। It feels like I'm home. तो मुझे एक पुराना किला जाना था यहाँ पे, जो उस साइड है, लेकिन मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूँ, और गलती से आ गया हूँ मतलब टिकट्स होती है अंदर आने की, और पता नहीं उसने शायद मुझे काउंट किया नहीं कि मैं अंदर आ गया। और ये बस शिप्स हैं जो आपको ऐसे ही घुमाते हैं थोड़ा पानी के अंदर बीच में, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो 100 पाउंड है, विच इज़ लाइक 500 अपना इंडियन रुपीज़। तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे देख के मुझे एक
कोलापा वाला फील आ गया, गेटवे ऑफ इंडिया वाला फील आ गया। तो ये एक पुरानी जगह लगती है जहाँ पे आप, जहाँ से एक पोर्ट जैसे है, ये पोर्ट ही है आई थिंक, जहाँ से आप शिप में बैठ के थोड़ा सा घूम के आ सकते हो पानी के बीच में। यहाँ पे एक मॉस्क भी है और सारी फैमिलीज यहाँ पे आती है, पिकनिक वगैरह के बच्चे आते हैं। बहुत ही ओल्ड सा फीलिंग आता है, एक ऑथेंटिक जो सिटी बोल सकते हैं वैसे लग रहा है। जहाँ पे घोड़ा गाड़ी है और द सी इज क्लीन एंड एवरीथिंग। सो इस सिटी में म्यूजियम भी है, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ म्यूजियम। वो बस एक कायरो म्यूजियम ही मैं गया था, तो मुझे नहीं पसंद है म्यूजियम। मुझे पसंद है रास्ते पे घूमना, कल्चर एक्सप्लोर करना, इसी के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ। तो मैं म्यूजियम में तो नहीं जाऊँगा आज, लेकिन हाँ, एक पुरानी साइट है जिसे कहते हैं सिटेडल। यहाँ का सिटेडल है सिटेडल ऑफ कैट बे, QAITBAY, सिटेडल ऑफ कैट बे। तो लेट्स सी कि अंदर जाके क्या है। आई डोंट नो कि यहाँ पे टिकट्स है या नहीं है, बट वी विल हैव टू चेक। तो ये एरिया है जहाँ से हम सिटेडल की तरफ जाएंगे। काफ़ी ओल्ड सा एरिया लग रहा है, मतलब एक पुरानी फीलिंग आ रही है। ऑल दो इट इज़ सो क्लीन, और साइड में यहाँ पे लोग एज यूजुअल टूरिस्टी प्लेसेस पे जो बेचते हैं चीज़ें, यहाँ पे साइड में कार्स हैं, और वो जो आपको दूर दिख रही है आई थिंक वो है सिटेडल या फोर्ट जिसे आप कह सकते हो। यहाँ पे फोर्ट को सिटेडल बोला जाता है, हमारे यहाँ पे तो फोर्ट ही बोलते हैं यार, पता नहीं। सो राइट नाउ आई एम एट द सिटेडल ऑफ कैट बे, और ये मेरे पीछे है जो वो फोर्ट है। बहुत टूरिस्टी प्लेस है, मुझे इतना टूरिस्टी प्लेस मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा आना पसंद नहीं करता हूँ, आई प्रेफर बीइंग विद पीपल। मैं इसी के लिए ट्रैवल करता हूँ कि मैं कल्चर एक्सप्लोर कर सकूँ, नॉर्मल लाइफ जो लोगों की है, लोकल लोगों की जो लाइफ है वो एक्सप्लोर कर सकूँ। टूरिस्ट प्लेसेस पे इतना मुझे आना पसंद नहीं है, बट हाँ ये जगह स्पेशल है क्योंकि इसे सुल्तान कैट बे ने 14th सेंचुरी में बनाया था या 15th सेंचुरी में बनाया था, एज ए डिफेंसिव फोर्ट्रेस, एक किला जैसे उसने बनाया था ताकि वो अपने उसका जो रूल है उसको ये कर सके, मतलब उसकी जो रेन है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसकी जो सल्तनत है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये यहाँ पे जो है वो किला है, और मेरे यहाँ पीछे आप देख रहे हो वो मेडिटेरेनियन सी है, दैट इज़ अ मेडिटेरेनियन सी। ऑल दो इसे देखने की टिकट है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि आई थिंक ये 2 या 3 बजे बंद हो जाता है, तो मैं अंदर तो नहीं जा पाऊँगा। और वैसे भी मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अनदर फोर्ट, मे बी फोर्ट को क्या देखने जाए यार। बाहर से हमने देख लिया, और यहाँ का जो माहौल है वो ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, और जो यूरोपियंस हैं वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं, जो इजिप्शियन फैमिलीज़ हैं, मतलब वो लोग अपने बच्चे फैमिली वगैरह लेके आते हैं। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई यहाँ पे कि जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है उसने हर चीज़ के ऊपर टिकट लगाई हुई है। ठीक है यार, कुछ तो छोड़ दो, मतलब कुछ तो हमें खुद से एक्सप्लोर करने दो। हम यहाँ पे आते हैं एज टूरिस्ट, ठीक है तुम यूरोपियन से ले लो यार, हमसे मत लो। बट एनी वे, मजाक कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ है कि टूरिस्ट के लिए, जैसे फॉरेनर्स के लिए, यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है यार। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, हमारे जैसे इंडिया में फोर्ट वगैरह को देखने के इतने प्राइस नहीं है, इतना कॉस्ट नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट है। अभी ये अगर खुला होता तो इसको देखने का जो कॉस्ट है वो 100 पाउंड या 200 पाउंड होता, जस्ट लाइक हाउ यू हैव इन द पिरामिड। तो मेरे लिए पूरा घूमना पैदल तो मुमकिन नहीं है, और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं
यहाँ पे हॉर्स कैरेज पे घूमना पसंद करूँगा। तो ये लोग ले रहे हैं 100 pounds, 100 pounds इज़ लाइक 500 Indian rupees, और इसके ऊपर बैठ के मैं आपको सवारी कराऊंगा पूरी सिटी की। तो ये बंदा है जो मुझे घुमा रहा है, मैंने उसको जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाया कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, बट मुझे सच में नहीं पता कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। इसके भरोसे पे हूँ मैं, जहाँ भी ये लेके जाएगा मैं लेके जाऊंगा। तो आप जब भी यहाँ आओ, मुझको बुलाता है, तो आप जब भी यहाँ पे आओ मेक श्योर के आप अच्छे से बार्गेन करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छा बार्गेन मिला है कि नहीं, बट 100 pounds यानी इंडिया के 500 rupees में ये बोल रहा है कि मुझे एक घंटा घुमाने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि एक घंटा घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, और मेरे इसके बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप है। ماشي انا كده احل الركبه ببحر ماشي خلاص يا। तो अब मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद अब्बास, और मेरे पीछे है आप देख सकते हो मेट्रो है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इजिप्शियन सिटी में मेट्रो, एंड यू नो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एक मेडिटेरेनियन सिटी का एक फील आ रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है मैं ग्रीस में बैठा हूं या कोई ऐसी सिटी में बैठा हूं विच इज़ नॉट अरब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत इट्स अ मिक्स फीलिंग यू नो ऑल टुगेदर। सो मेरे पीछे है मस्जिद अब्बास या मस्जिद अब्बास, जो सूफ़ी एक सेंट है अब्बास मोरसी, 13th या 14th century में, तो उनका यहाँ पे श्राइन है, उनकी यहाँ पे मज़ार है या कब्र है आप बोल सकते हो, और इसी के वजह से ये जगह फेमस है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे सामने जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, एंड इट हैज़ अ वेरी गुड व्यू, वेरी वेरी गुड व्यू। तो एक चीज़ जो मुझे लगता था कि टूरिस्ट स्कैम है हर जगह जो होता है, तो शायद मेरे साथ भी आज हुआ है, क्योंकि इसने मुझे 4 से 5 जगह बताई है, और उसमें से 2 जगह तो एक ही तरफ है, जो इसने मुझे मेट्रो और मस्जिद बताई थी, मस्जिद यहाँ पे मेट्रो यहाँ पे इसने बता दिया। अब पता नहीं और 2 ही जगह बची है, अगर वो यहीं हुआ तो फिर आई डोंट थिंक कि मुझे अच्छा बार्गेन मिला है। ऑल्दो तो ये बोल रहा है कि 1 घंटा लगेगा, बट देन आई रियली डोंट नो कि 1 घंटा क्या ये मुझे 1 घंटा बिठाएगा इसके यू नो कैरेज पे। तो अब हम आ गए हैं कोमल दिक्का, जो एक रोमन थिएटर है, जो इन लोगों ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब इन लोगों ने जमीन को खोदा तो वहाँ पे इनको अंदर ये थिएटर दिखा। तो मेरे पीछे है ये, ऑल्डो ये बंद हो चुका है अभी, क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए हैं। यहाँ पे सारी साइट जो है वो 3-4 बजे बंद हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ ऑलमोस्ट। तो ये रोमन थिएटर है, आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि इटली वगैरह में हुआ करता है। तो अलेक्जेंडर यहाँ पे रूल अलेक्जेंडर ने किया था, तो शायद उसने बनाया होगा यहाँ पे। और 1960s में जब इन लोगों ने ये ज़मीन की खुदाई की ताकि ये लोग नए घर बना सके, तभी इन लोगों को ये रोमन थिएटर दिखा, और तब से ये एक इंटरनेशनल साइट ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब हम जा रहे हैं पोम्पी का पिलर देखने के लिए, जो पोम्पी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इन लोगों ने एक्सकवेट किया वो जो साइट है
तो जब इन लोगों ने खुदाई की तो वहाँ पे इनको थोड़ा बहुत खंडहर दिखा जो ग्रीक लोगों ने जो बनाया था, तो उन्होंने एक पिलर भी बनाया था, उसे कहते हैं पोम्पी का पिलर। मैं पहुँच चुका हूँ पोम्पी का जो पिलर है, ये इकलौता यहाँ पे ऐसा पिलर है जो इन लोगों ने मतलब खंडहर था, ये पूरी जगह खंडहर थी और इन लोगों ने वो ढूंढ के निकाला है। पूरी जगह रुइन हो गई है, बर्बाद हो गई है, मतलब वीरान हो गई है ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत पुरानी है, लेकिन ये पिलर अभी तक बचा हुआ है, राइट। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में अशोका का पिलर है, वैसे यहाँ पे पोम्पी का पिलर माना जाता है। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल काफ़ी वक्त हो गया है और आई थिंक ये बंद भी हो गया है, तो बाहर से अगेन मतलब अगर मैं कुछ बता सकूँगा तो मैं बताऊँगा आपको ज़रूर। लेट्स सी कि अगर बाहर से मैं वीडियो ले सकता हूँ या नहीं, और वेदर इट इज़ प्रोहिबिटेड आई डोंट नो। सो बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है ये, एंट्री बंद हो गई है, लेकिन जो लोग अंदर हैं उनको यहाँ पे आने की परमिशन है, मतलब वो रह सकते हैं अंदर शायद एक और घंटा 5 बजे तक, बट सिंस मैं बाहर से हूँ तो मेरी एंट्री बंद हो गई है। और ये जगह है बाहर से, तो ये बाहर का ऐसा नज़ारा है। और अब मैं जा रहा हूँ फिर से मेरे होटल, क्योंकि अब मैं थक भी गया हूँ और ये मेरा कैरेज मेरा वेट कर रहा है, तो मैं अभी भी कैरेज में ही बैठा हूँ वेटिंग फॉर माय होटल। ये बंदे ने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गया, अंदर क्यों लेके गया, यहीं पे रुक उतार रहा था मुझे, बिकॉज इसे नहीं समझती है मेरी ज़बान, मतलब इंग्लिश भी नहीं समझती है इसे, तो पता नहीं अभी मैंने किसी बंदे से बात की है, उसने इसे एड्रेस बताया। अब मैं जा रहा हूँ मेरे होटल, बहुत थक चुका हूँ, भूख भी बहुत लगी है, शायद होटल में उतर के फिर रात में एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकलूँगा बाहर। और अब मैं उतर चुका हूँ एंड द वेदर इज़ जस्ट सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, बहुत सेक्सी वेदर है यार। और बस अभी मैं चल के जा रहा हूँ मेरी होटल, दिस इज़ मच क्लीनर एंड इट इज़ अ डिफरेंट सिटी। Come here.